हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के युग में इंसान हर रहस्य पर से पर्दा उठाना चाहता है। आज इंसान हर चीज़ को जानना चाहता है। नासा के वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में लगातार प्रयत्नशील हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसी बातें ब्रह्मांड की हमारी आँखों से छिपी हुई हैं, जो वास्तव में यदि हम न जाने तो ही अच्छा है। कुछ बातों पर यदि पर्दा पड़ा रहे हमारी भलाई के लिए है, वो बातें जो पर्दे के पीछे छिपी हुई हैं। आज कल की अवतार जो वास्तव में साक्षात विष्णु भगवान हैं, जब इस धरा पर आए हैं, उनसे जुड़ने के लिए हर कोई हो रहा है बेताब। लेकिन उससे बड़ी बेताबी इंसान की ये है कि आज कल की अवतार दिखलाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं। आखिर वो कहाँ छिपकर बैठे हैं, किस रूप में हैं और किस प्रकार से अपने कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से आज मैं अपने वीडियो में तीन ऐसे कलयुग के रहस्यों के बारे में आपको बताऊंगी, वास्तव में जिन्हें यदि रहस्य ही रहने दिया जाए तो मानव जाति के लिए, मानव कल्याण के लिए ये सही होगा। पहला रहस्य है भविष्य मलिका। असली भविष्य मलिका कहाँ छिपा दी गई है और क्यों? अगर आप क्यों का अर्थ समझ जाएंगे तो कभी भी क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं करेंगे और आपकी उत्सुकता नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप संतुष्ट हो जाएंगे। संतुष्टि आज के जीवन में कहीं भी व्याप्त नहीं है। आप जहाँ कहीं भी चले जाइए, जिस ओर आपका ध्यान है, असंतुष्टि अपनी चरम सीमा पर है। लोग डिससैटिस्फाइड हैं, बहुत कुछ लोग जानना चाहते हैं जिसके बारे में आज भी लोगों को पता नहीं है। भविष्य मलिका की बहुत सारी प्रेडिक्शंस आपको सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं, लेकिन असली भविष्य मलिका क्यों छिपा दी गई है और कहाँ छिपा कर रखी हुई है, ये सबसे बड़ा रहस्य है। क्योंकि असली भविष्य मलिका में क्यों छिपा दी गई है, ये मैं अब आपको बतला रही हूँ। क्योंकि असली भविष्य मलिका, जिसे अच्युतानंद दास जी ने और पंच सखाओं ने मिलकर लिखा, उसमें कलयुग की कुछ बातें इतने भयंकर तौर पर उनका खुलासा किया गया है कि यदि उन खुलासों को कलयुगी मनुष्यों के सामने ला दिया जाए, यानी रहस्य पर से पर्दा उठ जाए, आज का इंसान जितना कोरोना के समय पैनिक हुआ था, उससे लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा पैनिक हो जाएगा और हार्ट अटैक से हो सकता है मृत्यु हो जाए। क्योंकि जो बातें, जो खुलासे असली भविष्य मलिका में की गई हैं, उनको आज के ज़माने में पढ़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज के इंसान की बुद्धि उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रही है वास्तव में, जो समझदारी उसे होनी चाहिए। अचानक से इंसान कब किस बात पर कैसे रिएक्ट कर दे, ये पता नहीं चलता। तो कलयुगी मनुष्यों का रिएक्शन बहुत अधिक भयंकर ना हो, बहुत अधिक उन्हें उन भविष्यवाणियों को पढ़कर तकलीफ ना हो, वो एक ऐसे हादसे का शिकार ना हो जाए, उनके अंदर वो पीड़ा न जन्म ले ले जो कभी खत्म ना हो, बल्कि उनकी जान पर बन आए, इन सब बातों के कारण असली भविष्य मलिका को जगन्नाथ पुरी में ही, पुरी के पास बने हुए मठों में से एक ऐसे मठ में छिपा दिया गया है, और जिसकी जानकारी शंकराचार्य को है, जिसकी जानकारी पुरी के मंदिर के जो पुजारी हैं उनको है। लेकिन वो इंसान अपना मुंह नहीं खोल सकता, क्योंकि उस पर भी आपदा ऐसी आएगी कि जो कि किसी के संभालने से नहीं संभलेगी। तो भविष्य मलिका, असली भविष्य मलिका जो है, जिसमें भयंकर खुलासे कलयुग के एंड को लेकर किए गए हैं, जिसे पढ़कर इंसान अपनी सुध बुध खो सकता है, इसलिए उसे छिपा दिया गया है। ये पहला राज है। इसलिए
रास को यदि हम रास रखें, उसे पर्दे के अंदर ही रखें, तो राज के ऊपर से यदि पर्दा ना उठाया जाए तो वो हमारे लिए भी अच्छा है, आप सभी लोगों के लिए अच्छा है। दूसरा रहस्य कल्कि अवतार का। क्या कल्कि अवतार हमारे जीवन के रहस्यों को पढ़ने में, उसे उजागर करने में इंटरेस्टेड है? नहीं, वो इंटरेस्टेड हैं जिस मिशन के तहत वो आए हैं उसको फुलफिल करने के लिए, ताकि सक्सेसफुली वो अपने उद्देश्य में कामयाब हो सके, सभी के कर्मों का सही तरीके से लेखा जोखा करके हर एक जीव के साथ वो न्याय कर सके, इस बारे में वो फोकस्ड है, ना कि कौन इंसान का, किस इंसान का क्या रहस्य है, उसे दूसरों के सामने कैसे उजागर किया जाए, बिल्कुल नहीं। तो कल्कि अवतार की भी मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है, कुछ प्राइवेसी है, वो कभी 3D में है, कभी 5D में है, कहाँ पर है, उनके जन्म स्थान की खोज आज भी लोग कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हाँ हमारे ही स्टेट में कल्कि अवतार ने जन्म लिया है, लेकिन आज भी उनके जन्म स्थान पर लोगों की नज़र इस कारण नहीं पड़ रही है क्योंकि कल्कि देव नहीं चाहते कि आज का इंसान अपने जीवन के उद्देश्यों से परे जाकर सिर्फ अपना ध्यान उनके जन्म स्थान की ओर केंद्रित कर दे, और उनके जन्म स्थान जहाँ चारों ओर एक ऐसी दिव्य शांति छाई हुई है वहाँ पर भी कोलाहल एंट्री कर दे। तो कल्कि देव अपने जन्म स्थान को उजागर करने में नहीं करते हैं विश्वास, और उनका कार्य किस प्रकार चल रहा है इसकी भी पब्लिसिटी करना सोशल मीडिया पर आकर वो नहीं चाहते हैं। जितने भी सोशल मीडिया पर आ रहे हैं आज और जो अपने आप को कल्कि होने का दावा कर रहे हैं, उनमें से कोई भी कल्कि अवतार नहीं है। एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि आप किस कल्कि अवतार की बातें करती हैं, तो मैं उन कल्कि अवतार की बातें करती हूँ जो वास्तव में साक्षात विष्णु भगवान हैं, जो साक्षात विष्णु भगवान के अवतार हैं, जो साक्षात मानव होते हुए भी असाधारण शक्तियों के मालिक हैं। क्या आज सोशल मीडिया पर जितने भी कल्कि हैं, क्या उनके पास श्री कृष्ण की तरह, राम जी की तरह, वामन जी की तरह ऐसी ताकत है कि तीन पग में पूरी दुनिया को, ब्रह्मांड को वो माप दें? क्या उनके पास ऐसी ताकत है कि अपनी छोटी उंगली पर किसी पर्वत को वो उठा लें? क्या उनके पास ऐसी ताकत है कि कालिया नाग तो छोड़ दीजिए, किसी ऐसे नाग को मारकर उसके फन पर चढ़कर वो नृत्य करें? क्या किसी कल्कि अवतार के पास ऐसी ताकत है कि कुछ वो ऐसा करिश्मा लोगों के सामने पेश कर दे कि दुनिया हतप्रभ हो जाए और लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएं? मैजिक करना बहुत आसान है, एक से एक बढ़कर मैजिशियन, लेकिन जो शक्ति, जो पावर कल्कि देव के पास में है, मैं उन्हीं के बात अपने वीडियो में करती हूँ। तो कल्कि अवतार की बातें, उनका रहस्य, यदि उन पर पर्दा पड़ा रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आज के इंसान के पास वो ताकत नहीं कि कल्कि अवतार यदि सामने आ भी जाए तो उनके मुख का तेज सहन करने के लिए हमारी आँखों में वो रोशनी नहीं कि हम उन्हें देख भी सकें नज़र भरकर। तुलसीदास चंदन घिस रहे थे और रामचंद्र जी उनके ही सामने एक बालक स्वरूप बैठे थे और चंदन का टीका लगा रहे थे। रामचंद्र जी जिनके अनन्य भक्त थे तुलसीदास, लेकिन वो भी रामचंद्र जी को तब तक नहीं पहचान पाए जब तक हनुमान जी ने उनकी मदद नहीं की। कल्कि अवतार कब किस रूप में किसे दर्शन दे रहे हैं, अगर इंसान के पास वो ज्ञान नहीं, वो ताकत नहीं, कैसे पहचानेंगे हम कल्कि देव को? इसलिए अपना बहुमूल्य समय उनके रहस्यों को उजागर करने के बजाय यदि अपने बर्थ एम की ओर हम ध्यान दें और अपने जीवन का एक एक बहुमूल्य पल यदि हम सत्कर्मों पर लगाएं,
वो हमारे लिए, हमारे आने वाले समय के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।